जितनी मखलूक है, जानदार या बेजान, उनका जिंदगी गुजारने का परफेक्ट सही तरीका उनके अंदर पहले से ही फीड होता है। वो बाहर से नहीं लेते। सांप को डसना, उकाब को झपटना, मछली को तैरना, चींटी को लाइन बनाना कोई नहीं सिखाता। सारी मखलूक पैदाशी तौर पर सही इल्म लेकर पैदा होती। रब्बुना अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, ये मैं इस आयत को बयान कर रहा हूँ। वो रब जिसने सारी मखलूक को बनाया और हिदायत दी। हिदायत से मुराद है जिंदगी गुजारने का तरीक़ा। ना अपने इल्म के खिलाफ करते हैं और ना ही अपने इल्म को भूलते हैं। जो अंदर अल्लाह ने फीड कर दिया है वो 100% उसके मुताबिक चलते। अब शेर को घास खिलाना चाहें, मार मार के उसकी खाल उतार दें, नहीं खाएगा। बकरी को आप बिरयानी खिलाना चाहें, वो ज़बह हो जाएगी, नहीं खाएगी। उसकी चिप में ये फीड नहीं है, वो कभी गलत नहीं करेगी। सेब पर आम कभी नहीं निकलेगा, आम के ऊपर करेला के भी नहीं होगा। अंगूर की बेल पे मटर का दाना नहीं निकलेगा। जानदार बेजान हर चीज का इल्म प्रॉपर सही उसके खिलाफ नहीं करता। इंसान इससे मुख्तलिफ, ये इल्म बाहर से लेता है, अंदर से नहीं, बाहर से लेता है। और चूंकि इसका पेपर हो रहा है तो इसके लिए गलत इल्म भी मौजूद है, सही इल्म भी मौजूद। ये गलत भी ले सकता है, सही भी ले सकता है। फिर सही लेकर भी अपने इल्म के खिलाफ कर सकता है। जानवर में ये ताकत ही नहीं, वो करता ही नहीं। इंसान कर सकता है। शुगर के मरीज के सामने मिठाई रखो, ये शौकीन साहब के आगे रखो मिठाई, मैंने खुद इनको खाते देखा। मिसाल दे रहा हूं कि चलो किसी मौलाना के आगे रख दो, किसी पीर साहब के आगे रखो, खाएगा वो। फिर अंदर से अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, आज आधी गोली ज्यादा खा लवांगी, कोई गल नहीं, एक किलोमीटर वादू चल लवांगी, कोई गल नहीं। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। इंसान अपने इल्म के खिलाफ करने की ताकत रखता है, चाहे सही भी हो। सारी दुनिया जानती है झूठ लानत है। झूठ बोलने वाला कभी नहीं कहता कि मैं सही काम कर रहा हूं। वो कहता जी इसके बगैर गुजारा नहीं। बात तो गलत है पर इसके बगैर गुजारा नहीं। मिलावट करने वाला कहता है कि मैं सही काम कर रहा हूं, वो कहता गलत है, इसके बगैर गुजारा नहीं। तो ये मैं आपको चंद मिसालें दे रहा हूं। रिश्वत लेने वाला कभी नहीं कहता हलाल खा रहा हूं। सूद खाने वाला कभी नहीं कहता मैं हलाल खा रहा हूं। शराब पीने वाला, बदकारी करने वाला कभी नहीं कहता मैं ठीक कर रहा हूं यार, गलत कर रहे हैं। ये मैं आपको चंद मिसालें दी हैं कि इंसान अपने इल्म के खिलाफ भी चलता है, सही इल्म जानते हुए भी उसको रद्द करने की ताकत रखता है और सही भी चल सकता है। फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, कि मेरे बंदे तेरे अंदर दो चिप लगाई हैं, एक गलत को कबूल करती, एक सही को कबूल करती। तू चाहे तो सही भी चल सकता है, तू चाहे तो गलत भी चल सकता है। फमन शा फलयूमिन व मन शा फलयकफर, चाहो तो कुफर का रास्ता इख्तियार करो, चाहो फरमानबरदारी का रास्ता इख्तियार करो। इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने तेरे सामने रास्ते खोल दिए हैं, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। इधर चलो सड़क मौजूद है, इधर चलो सड़क मौजूद है। पीछे एक सिस्टम चल रहा है, वो अल्लाह है जिसने इस कायनात को पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, आपको पैदा किया, किसी को मर्द, किसी को औरत, किसी की जुबानें मुख्तलिफ, किसी के लहजे मुख्तलिफ, शक्लें मुख्तलिफ। क्यों बनाया है
इसका सवाल दुनिया के दानिश्वर नहीं दे सकते, क्योंकि जब कायनात बन रही थी हम में से कोई भी नहीं था और कायनात बाकी रहेगी हम में से कोई भी नहीं रहेगा, तो लिहाजा हम ना इसकी इब्तिदा जानते हैं ना इंतहा जानते हैं, तो इसके बारे में हम क्या फैसला कर सकते हैं। मैं क्यों दुनिया में आया हूँ, मेरी मंजिल क्या है, मैं अपने अकल से तलाश ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बनने में मेरा मेरी ज़ात को दखल ही कोई नहीं। ये सैयद ज़ादे पैदा हुए, मैं राजपूत पैदा हुआ, तो इसमें मेरी या इनकी चॉइस का क्या दखल है, ये अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह का इख्तियार है। वजअलनाकुम शुउबन व कबाइल, तो लिहाजा अल्लाह की तरफ ही लौटना पड़ेगा कि वो क्या कहता है, कि उसने ये सारी कायनात किस लिए बनाई, मुझे क्यों बनाया, मौत मेरे पीछे क्यों लगा दी। हम तो अच्छे तरीके से लोगों को ज़मीन में सपुर्द खाक करते हैं, जो आग में जलता लोग देख रहे हैं किस तरह सारा वजूद भस्म हो के खाक हो जाता है, राख बन जाता है, मुख्तलिफ तरीके हैं। तो ये सारा क्यों है, इतने बड़े कारोबार, इतने बड़े घरों से उठकर चार हाथ कब्र में जाने को किसका जी चाहता, तो झोंपड़े से उठ के कोई नहीं मरना चाहता, तो ऐसे घरों से कौन मौत चाहेगा कि उठाए और मुझे जाके कब्र में डाल दिया जाए, और ये आंख बंद होती है और हर शय पराई हो जाती है। तो ये सब क्या है, इसका जवाब अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता जिसने इसको पैदा किया। मा खलकनाहुम इल्ला बिलहक, इतनी बात अल्लाह ने कह दी कि बेकार पैदा नहीं किया। मा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा बातिल, बेकार नहीं। फिर अल्लाह ने मुझे कहा अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा, क्या ख्याल है तुम्हें भी मैंने बेकार पैदा किया है। अच्छा, अब क्यों पैदा किया है, इसका जवाब भी अल्लाह ही देता है। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदू, इसलिए पैदा किया है कि मेरी मान के आ जाओ मेरे पास। जिंदगी मौत को क्यों पैदा किया है, खल्क अल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिंदगी मौत का सिलसिला इसलिए चलाया है कि हम देखेंगे कि तुम में मुझे कौन राजी करता है, अपने अमल को खूबसूरत कौन बनाता है, और ये सिक्कों और के पीछे दौड़ कौन लगाता है, और कुर्सियों के पीछे कौन अपनी गैरत के, ईमान के, इज्जत के सौदे करता है का ये एक दिन फैसला है। ये फैसले की जगह नहीं है, वो आगे लन रखी है। ये कायनात को इम्तिहान के लिए बनाया है और फैसला मेरे मालिक ने आगे चल के रखा है। अगर ये जजा सजा का जहान होता तो मेरे नबी की औलाद ज़बह के नेज़ों पे न चढ़ते और यजीद जैसे तख्त पे न बैठे होते। ये मेरे रब का इम्तिहान है जो नींद से ऊँग से पाक है। ला ताखुदुहु सनतुन वला नौम, न सोता है न ऊँगता है। ला याज़ुबान रब्बिक मिन मिथ्क़ाल ज़र्रा, एक जर्रे के बराबर कोई चीज़ उसे पोशीदा नहीं है। सवा उम्मिन कुम मन असर अल-क़ौल व मन जहर बिही, जोर से बोलो, आहिस्ता बोलो, दिल में बोलो, कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं। व मुस्तफ़िम बिल्लैल व सारिबुम मिन नहार, दिन के उजाले में कुछ करो या रात के अंधेरे में कुछ करो या दरवाजे बंद करके कुछ करो, वो कहता मुझसे कोई चीज़ पोशीदा कोई नहीं है, हर चीज़ उसके सामने खुली किताब है। कुल्लु सगीरन व कबीरन मुस्ततर, हर चीज उसके सामने लिखी हुई है, मौजूद है, वो देख रहा है कौन क्या कर रहा है। यहां उसने मुझे दोनों रास्ते दे दिए हैं और फिर आगे बुलाकर फैसला करेगा। जिंदगी गुजारने का वो तरीका जिस पर अल्लाह राजी हो जाए और जिंदगी सुखी गुजरे, मालदार की भी गरीब की भी, उसका नाम है इस्लाम। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और उसको लेकर आए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी पैगंबर, आखिरी किताब, आखिरी दीन, आखिरी मजहब। अख्तम बि किताबिहिमुल कुतुब व बि दीनिहिमुल अदियान व बि शरीअतिहिमुश शराए, उस नबी पर दीन मुकम्मल, किताब मुकम्मल, शरीयत मुकम्मल, मजहब मुकम्मल, अब इसके बाद ख़त्म, ना कोई और दीन आने वाला है, ना कोई और तरीका ज़िंदगी आने वाला है, एक तरीक़ा जिसे लेकर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और वो इस तरह महफूज है कि क़यामत भी आ जाए तो मेरे नबी की ज़िंदगी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, हुज्जत के लिए मौजूद है, क़ुरान मौजूद है, कोई नहीं मिटा सका, ना आइंदा कोई मिटा सकेगा।
मेरे नबी की जिंदगी मौजूद है, कोई नहीं मिटा सका, ना आइंदा कोई मिटा सकेगा। एक यतीम पैदा होता है, कौन उसकी तारीख पैदाइश नोट करेगा? हिस्ट्री ने बादशाहों की तारीखें नोट की, यतीमों गरीबों की कौन नोट करता है जी? लेकिन एक यतीम के लिए कायनात को अलर्ट किया हुआ था कि एक यतीम आ रहा है, उसकी कोई चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी तारीख पैदाइश के पूरे फिगर याद हों या ना हों, लेकिन मेरे नबी की सारी तारीख हिस्ट्री एक यतीम के घर में पैदा हो।